नमस्कार दोस्तों, आज हम एक और वीडियो लाए हैं। इस वीडियो में हम आपको फैन रेगुलेटर के कनेक्शन करना सिखाएंगे। यहाँ पर हमने एक 5 पिन सॉकेट, एक स्विच और एक रेगुलेटर लिया है। एग्जांपल के लिए यहाँ पर हम आपको CFL लेके दिखा रहे हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये हमारी बैक साइड आ गई बोर्ड की। यहाँ पर हम सॉकेट को डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे, इसीलिए हम इसके स्विच के नीचे वाले पॉइंट के साथ कनेक्ट करेंगे। स्विच का ये पॉइंट और सॉकेट का ये पॉइंट, ये देखिए दोस्तों। ये दोनों हमारे एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो चुके हैं। यहाँ पर सॉकेट हमारा डायरेक्ट कनेक्ट है। अब हम रेगुलेटर की एक वायर लेंगे जो कि हम स्विच के साथ कनेक्ट करेंगे, जहाँ से आप फैन ऑन ऑफ करेंगे। ये देखिए स्विच का मैं ये पॉइंट ले रहा हूँ यहाँ पर। ये देखिए ये भी एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो चुके हैं। यहाँ मैं एक CFL ले रहा हूँ एग्जाम्पल के रूप में। सबसे पहले हम CFL की एक वायर को सॉकेट के पॉइंट के साथ कनेक्ट करेंगे। सॉकेट का ये पॉइंट ले रहे हैं यहाँ पर हम। ये देखिए ये इसके साथ कनेक्ट हो चुका है। और दूसरी वायर को हम रेगुलेटर की दूसरी वायर से कनेक्ट करेंगे, ये वाली वायर से। ये देखिए दोस्तों ये कनेक्ट हो चुकी है एक दूसरे के साथ। अब हम मेन वायर निकालेंगे। एक मेन वायर हम सॉकेट के इस पॉइंट से निकालेंगे, एक मेन वायर हम इस पॉइंट से निकालेंगे। ये देखिए दोस्तों, यहाँ मैं एक मेन वायर रेड वाले पॉइंट की तरफ से निकाल रहा हूँ। इसी तरह दूसरी मेन वायर में सॉकेट के दूसरे पॉइंट से निकाल रहे हूँ यहाँ से, क्योंकि हमने सॉकेट डायरेक्ट कनेक्ट कर रखा है। ये देखिए दोस्तों, ये दोनों हमारी मेन वायर होगी। यहाँ पे करंट फ्लो होगा, इसमें करंट परमानेंट फ्लो होगा। ये स्विच के साथ कनेक्ट है, रेगुलेटर स्विच के साथ कनेक्ट है, जिससे करंट रेगुलेटर पर डिपेंडेबल है। ये अगर रेगुलेटर की स्पीड कम करेंगे तो यहाँ पर करंट कम फ्लो होगा। यहाँ पर मैं आपको इसे टेस्ट करके भी दिखा देता हूँ दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर मैंने एक और बोर्ड ले रखा है जिसके अंदर लाइट कनेक्ट, यहाँ पर मैंने एक और बोर्ड ले रखा है जिसके अंदर करंट फ्लो है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ मैं बटन ऑन करता हूँ और रेगुलेटर ऑन ऑफ करता हूँ। ये देखिए जैसे कि आप देख रहे हैं, रेगुलेटर इंक्रीज करने पर यहाँ पर इसकी लाइट भी इंक्रीज हो रही है। इसी तरह दोस्तों, हमारा ये सॉकेट डायरेक्ट कनेक्ट है। यहाँ मैं इसे भी चेक करके दिखा देता हूँ। यहाँ मैंने एक ट्रिमर लिया हुआ है, ये देखिए दोस्तों। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद।